टिप्स फॉर रेज्यूम एंड सीवी, रेज्यूम लिखने के लिए और सीवी लिखने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो जिससे कि आपका रेज्यूम या सीवी काफ़ी अच्छा लगेगा आपके एम्प्लॉयर को जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट प्लेस योर नेम, मतलब जब सीवी लिखे तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखें बोल्ड लेटर के अंदर, लिखें पहली लाइन के अंदर आप अपना नाम बोल्ड लेटर के अंदर लिखें सीवी या रेज्यूम के अंदर। उसके बाद सेकंड लाइन के अंदर आप अपना एड्रेस लिखें, ईमेल लिखें, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। आल्सो फॉर गुड इंप्रेशन पुट योर फोटो इन साइड ऑफ रेज्यूम, और अच्छे इंप्रेशन के लिए आप अपनी फ़ोटो भी साइड में लगा सकते हैं। पहले लाइन के अंदर आपने नाम बोल्ड लेटर में लिखा, सेकंड लाइन में आपने ईमेल एड्रेस, अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ लिखा और साइड में आपने फ़ोटो लगाई। सबसे पहला काम आपको ये करना है। सेकंड, आपको अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, 3 पॉइंट मस्ट एडिड। जब आप अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखें तो उसके अंदर आपके 3 पॉइंट कम से कम ये जरूर होने चाहिए, हु आई एम, वट आई वॉन्ट टू बी, वट कैन आई डू फॉर योर कंपनी, आप कौन है, वट आई वॉन्ट टू बी, आप क्या आगे करना चाहते हैं, वट कैन आई डू फॉर योर कंपनी, और आप इस कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव आपका जरूर लिखा होना चाहिए। कैरियर ऑब्जेक्टिव शुड डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शन, जो अलग अलग जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जेडी के लिए आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है। तो ये आपका सेकेंड टिप है। इसके बाद जेडी रिक्वायरमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, हमारी एक्सपर्टीज इन ग्लोबलिटी। जैसे कि एम्प्लॉयर ने जो रिक्वायरमेंट दी है अपनी, उसने दी है कि मेरे को जो 8D, जैसे कि मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, जिसको कापा भरना आता है या ग्लोबल 8D भरना आता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या लिखेंगे, आई सी का जॉब एज क्वालिटी इंजीनियर इन ऑटोमोबाइल कंपनी, मैं ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर एक जॉब ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर वो आई एम क्या है, मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ, यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, आई सीक अ जॉब एज अ क्वालिटी इंजीनियर इन ऑटोमोबाइल कंपनी, किस कंपनी में, ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर। यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैं कौन हूँ और मैं किस कंपनी में जॉब ढूंढ रहा हूँ। वे थ्रू स्मार्ट वर्क आई कैन यूज़ माई नॉलेज ऑफ ग्लोबल 8D एंड मैनेजमेंट स्किल। तो यहाँ पर जो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी वो कहते थे कि उनको ग्लोबल 8D का बंदा चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वे थ्रू स्मार्ट वर्क के थ्रू I can use my knowledge of global 8D and management skill. तो मैं global 8D की और management skill के बारे में मैं जानकारी रखता हूँ। I wish to continue towards organization goal, और मैं organization goals को achieve करने के लिए work करूँगा। तो यहाँ पर मैं company के लिए क्या कर सकता हूँ, वो भी मैंने organization goal को achieve करने की भी बात कर दी। The job should provide a chance for higher responsibility through self-development. मतलब कि job मेरे को self development के साथ साथ में chance for higher responsibility भी दे। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पर अपना लिख दिया। ये मेरा सेकंड टिप था, कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो इसको आप स्मार्टली लिख सकते हैं या फिर जो मैंने एग्जांपल दिया इस एग्जांपल को पूरा पूरा आप उतार सकते हो, जो आपके रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, और जैसा आपको बेटर लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का यूज़ में करना पड़ेगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर आपको लिखना है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। ये जो है फॉर फ्रेशर ओनली, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम योर हायर क्वालिफिकेशन। मतलब कि आपको जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वहाँ पर आपको तीसरे पॉइंट के अंदर लिखनी है। अगर आप फ्रेशर हो तो ही आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखने की ज़रूरत है, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे कि आपने बीटेक कर रखी है तो पहले आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले नंबर पे आप बीटेक लिखेंगे, उसके बाद ट्वेल्थ लिखेंगे, उसके बाद टेंथ लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखनी होती है। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और टेक्निकल स्किल, चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे कि आपकी टेक्निकल स्किल क्या है। जैसे कि मुझे SPC आता है, MSA आता है, FME आता है, APQP आता है, PPAP आता है, कापा आता है, ग्लोबल 8D आता है, जो भी आपकी स्किल्स है वो सारी की सारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप पांचवे पॉइंट में क्या लिखेंगे, ट्रेनिंग अटेंडेंट एंड सर्टिफिकेशन। जो जो आपने ट्रेनिंग अटेंड करी है, जो जो आपने सर्टिफिकेशन ली है वो लिख सकते हैं। जैसे कि आपने SPC की ट्रेनिंग ली है, MSA के लिए, APQP के लिए, FME के लिए, जो भी आपने ट्रेनिंग ली है और जिसकी आपके पास सर्टिफिकेशन है, 5S का जो है सर्टिफिकेशन है, तो वो सब कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बट यहाँ पर जो ट्रेनिंग अटेंडेंट और सर्टिफिकेशन लिखते टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इंटरव्यूअर इनके बारे में क्वेश्चन ज़रूर करेगा। तो इसको लिखते हुए में जिसके बारे में आपको नॉलेज हो अच्छे से वो ज़रूर लिखना। इसके बाद 6th पॉइंट में अवार्ड्स एंड अचीवमेंट और प्रोजेक्ट्स, किस किस प्रोजेक्ट पर आपने काम किया है या आपको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं या आपने क्या अचीवमेंट करी है, वो आप लिख सकते हैं 6th पॉइंट के अंदर।
इसके बाद जॉब एक्सपीरियंस, सेवन पॉइंट जो है आप लिखेंगे जॉब एक्सपीरियंस लिखेंगे, आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे, क्या आपका रोल था, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या थी, कितने साल तक आपने काम करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे, रोल क्या था आपका, इंजीनियर सीनियर इंजीनियर जो भी थे आप, अचीवमेंट इन करंट जॉब, जो करंट जॉब के अंदर आपने क्या अचीवमेंट करी, ये सब कुछ आप अपने जॉब एक्सपीरियंस के अंदर लिखेंगे। आफ्टर डैट अदर कंपनी जॉब एक्सपीरियंस एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पहले तो आप करंट ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, उसके बाद जो उसके उससे पहले जिन कंपनियों में आप काम कर रहे थे, अगर आप रेज्यूमे लिख रहे हैं तो सिर्फ एक एक दो दो लाइन में लिख देंगे, अगर आप सीवी लिख रहे हैं तो आप पूरी डिटेल में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे अपनी पर्सनल डिटेल 8 पॉइंट के अंदर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, हॉबी, स्ट्रेंथ, ये सब कुछ आप लिख देंगे। इसके बाद मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज एक्सेट्रा, 9 पॉइंट के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि आपने किसी प्रोफेशनल बॉडी की आपने अगर मेंबरशिप ले रखी है तो आप वहाँ का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो जब भी आप अपना रेज्यूमे या सीवी लिखें तो इस वीडियो को देखें और अपने पॉइंट्स को मैच करें, किस किस पॉइंट में आप क्या क्या लिख रहे हैं, तो आपका रेज्यूमे काफ़ी अच्छा बन जाएगा। आप रेज्यूमे बनाते टाइम पे कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। तो अवॉइड बिग पॉइंट्स पैराग्राफ, मतलब कि बड़े बड़े पॉइंट्स ना बनाएं और पैराग्राफ ना लिख दें, पूरे पूरे चार चार छः छः दस दस लाइनों के पैराग्राफ ना बनाएं, और यूज़ बुलेट पॉइंट, मतलब बुलेट पॉइंट्स के अंदर। सेकंड, यूज़ सिंगल फ़ॉन्ट टाइप, टाइम्स न्यू रोमन और एरियल, मतलब एक ही सिंगल फ़ॉन्ट का यूज़ करें पूरे के पूरे रेज्यूमे या सीवी के अंदर, अलग अलग फ़ॉन्ट का यूज़ ना करें। तो या तो आप टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट्स यूज़ करें या फिर एरियल फ़ॉन्ट का यूज़ करें आप, और किसी फ़ॉन्ट का यूज़ ना करें। इसके बाद नेम शुड बोल्ड एंड फ़ॉन्ट साइज शुड 16, जो है जो आप अपना जो नाम लिखेंगे, नाम आपको बोल्ड लेटर के अंदर लिखना है, पहले तो आप उसको कैपिटल लेटर में करें, फिर उसके बाद उसको बोल्ड भी कर दें, और जिसका फॉन्ट का जो साइज है वो 16 होना चाहिए। अदर हेडिंग साइज 12 एंड शुड बोल्ड, और जो अदर हेडिंग्स है, जो आपको मैंने 9-10 पॉइंट जो आपको बताया उनके जो हेडिंग है उनका साइज जो है वो 12 होना चाहिए, वो भी बोल्ड के अंदर होने चाहिए। अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकली मिस्टेक, स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके रेज्यूमे या सीवी में। नोट नीड टू राइट फादर मदर नेम एंड देयर ऑक्यूपेशन इन योर रेज्यूम एंड सीवी एक्सेप्ट बायोडाटा, मतलब कि आपको अपने रेज्यूमे या सीवी के अंदर अपने फादर का ऑक्यूपेशन और मदर का ऑक्यूपेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बायोडाटा के अंदर आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। डोंट नीड टू मेक हेडिंग्स फॉर हॉबीज एंड स्ट्रेंथ, राइट इट इन योर पर्सनल डिटेल्स, मतलब अपने हॉबीज और स्ट्रेंथ के लिए कोई एक हेडिंग बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने पर्सनल डिटेल के अंदर लिख सकते हैं। राइट ओनली एक्सपर्टीज और नॉलेज फॉर विच यू हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस और नॉलेज, मतलब कि आपके वही नॉलेज और एक्सपीरियंस लिखना चाहिए जिसके बारे में आपको एक्चुअल में नॉलेज है। फेक नॉलेज और एक्सपीरियंस रिटर्न इन रेज्यूमे काउंट वेरी इजीली, मतलब अगर आपने अपने रेज्यूमे या सीवी के अंदर जो फेक नॉलेज जो लिखते हो वो बहुत आसानी से ही आपका जो रिक्रूटर है या जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो आसानी से उसको पकड़ लेता है, और जब वो आसानी से पकड़ लेता है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन में जब आप फेल हो गए तो आपका इंटरव्यू वैसे ही फेल हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा चाह करके ना लिखें, जो आपको आता हो एक्चुअल चीज़ ही अपने रेज्यूमे या सीवी के अंदर लिखें। एंड इफ़ योर एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड द स्किल लेवल यू हैव, अगर आपके अंदर वो स्किल लेवल है जो कि रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर की, ही विल डेफिनेटली गिव यू जॉब बिकॉज फ्रेशर आल्सो गेट अ जॉब, सो व्हाई नॉट यू, तो मतलब कि इसलिए ही आपका एम्प्लॉयर, अगर आपके अंदर वो स्किल सेट है जो कि आपके एम्प्लॉयर को चाहिए तो आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब जरूर देगा, क्योंकि फ्रेशर को भी जॉब मिलती है तो आपको क्यों नहीं मिलेगी, आपको भी जॉब मिलेगी। बट फेक चीज़ें आप अपने रेज्यूमे या सीवी के अंदर ना लिखे। एक्चुअली इफ़ यू गेट अ जॉब फॉर फेक एक्सपीरियंस और नॉलेज डेफिनेटली यू विल बी फायर्ड सून, अगर आपने गलती से फेक डाटा लिख के, फेक मतलब एक्सपीरियंस और फेक सब कुछ लिख के आपने, अगर आपको गलती से जॉब मिल भी गई तो आपकी नौकरी बहुत जल्दी ही छूट जाएगी, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉयर जैसे ही आपको पता चलेगा आप वो काम करने लायक ही नहीं तो आपको बहुत जल्दी खुद ही निकाल देगा। इफ़ यू डोंट एबल टू वर्क एज पर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जो आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिख दी है अपना फेक, वो अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे हो तो आपका एम्प्लॉयर आपको वैसे ही निकाल देगा। तो इसलिए फेक काम ना करें और अपना जो जो आपके अंदर एक्चुअल स्किल सेट है वही सब कुछ लिख के उसके थ्रू ही आप जॉब पाएँ। तो ये था इस वीडियो के अंदर आप रेज्यूम बनाने के लिए या रेज्यूम और सीवी के लिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दिए और डूज एंड डोंट्स बताया रेज्यूम और सीवी लिखने के लिए। तो जब भी आप अपना इंटरव्यू के लिए जाएं या जब भी आप अपना रेज्यूम या सीवी बनाएं तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।